Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Akhirat mein mehl. Jafar bin Sulaiman rahmatullah alayh kehte hain ki main Hazrat Malik bin Dinar ke saath ek dafa Basrah mein chal raha tha ki ek alishan mehl par guzar hua jiski tameer jari thi aur ek naujawan baitha hua mehmanon ko hidayat de raha tha ki yahan ye banega wahan is tarah banega. Malik bin Dinar rahmatullah alayh us naujawan ko dekhkar farmane lagi कि एक कैसा हसीन नौजवान है और किस चीज में फंस रहा है, इसको इस तमीर में कैसा इनहाक है। मेरी तबीयत पर यह तकाजा है कि मैं अल्लाह जल्ला शानू से इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि वो इसको इस झगड़े से छुड़ाकर अपना मुखलिस बंदा बना ले। कैसा अच्छा हो अगर ये जन्नत के नौजवानों में बन जाए। जाफर चल इस नौजवान के पास चले। जाफर कहते हैं कि हम दोनों उस नौजवान के पास गए, उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। वो मालिक रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ था मगर मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पहचाना नहीं। थोड़ी देर में पहचाना तो खड़ा हो गया और कहने लगा कैसे तशरीफ आवरी हुई। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुमने अपने इस मकान में किस कदर रुपया लगाने का इरादा किया है। उसने कहा 1,00,000 दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुमको ये 1,00,000 दिरहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का जुमा लेता हूँ जो इससे बदरजा बेहतर होगा, उसमें हशम और खदम बहुत से होंगे, उसमें खैमे और कुब्बे सुर्ख याकूत के होंगे जिन पर मोती जुड़े हुए होंगे, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी, उसका गारा मुझसे बना होगा, जिसकी खुशबुएँ महकती होंगी, वो कभी ना पुराना होगा ना टूटेगा, उसका मामार नहीं बनाएंगे बल्कि हक तआला शानों के अमरे कुन से तैयार हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दीजिए, कल सुबह आप तशरीफ लाएं तो मैं इसके मुतालिक अपने राय अर्ज करूंगा। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए और रात भर इस नौजवान की फिक्र और सोच में रहे। आखिरी शब मैं इसके लिए बहुत आजी से दुआ की, उनके तहज्जुद का जो आखिरी वक्त होता है। जब सुबह हुई तो हम दोनों उनके मकान पर गए। वो नौजवान दरवाजे से बाहर ही इंतज़ार में बैठे थे और जब हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बहुत खुश हुए। हजरत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया तुम्हारी कल की बात में क्या राय रही। उस नौजवान ने कहा आप उस चीज़ को पूरा करेंगे जिसका आपने कल वादा फरमाया था। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ज़रूर। उसने धर्म के तोड़े सामने लाकर रख दिए और दवात कलम लाकर रख दिया यानी कि कॉपी पेंसिल। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा कि ये इकरारनामा है, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फलां शख्स से इसका जुम्मा लिया है, उसको इस महल के बदले में हक तआला शानों के यहाँ उसको ऐसा ऐसा महल जिसकी सिफात ऊपर बयान की गई, जो जो सिफात उस मकान के ऊपर गुजरी वो सब लिखने के बाद लिखा मिलेगा, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा उम्दा और बेहतर जो उम्दा साये में हक तआला शानों के करीब होगा। ये पर्चा लिखकर उसके हवाले कर दिया और 1,00,000 दिरहम उससे लेकर चले आए। जाफर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शाम को हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास उसमें से इतना बाकी ना था कि एक वक्त के खाने ही का काम चल सके। इस वाक्य को 40 दिन भी ना गुजरे थे कि एक दिन हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह की नमाज से फारिग हुए तो मस्जिद के मेहराब में एक पर्चा पड़ा देखा। ये वही पर्चा था जो मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान को लिखकर दिया था और उसकी पुष्ट पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था कि अल्लाह जल्ले शानू की तरफ से मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के जुम्मे की बरात है, जिस मकान का तुमने इस नौजवान से जुम्मा लिया था वो हमने उसको पूरा पूरा दे दिया और उससे 70 गुना ज्यादा दे दिया। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस पर्चे को पढ़कर तहय्युर से हुए। उसके बाद हम उस नौजवान के मकान पर गए तो वहाँ मकान पर सही का निशान था जो शो की अलामत के तौर पर लगाया होगा और रोने की आवाज़ें आ रही थी। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि उस नौजवान का कल गुज़िश्ता इंतकाल हो गया। हमने पूछा कि इसका गुस्ल मैयत किसने दिया था, उसको बुलाया गया
हमने उससे उसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। उसने कहा कि उस नौजवान ने अपने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि जब तू मुझे नहलाकर कफन पहनाए तो ये पर्चा उसमें रख देना। मैंने उसको नहलाया, कफनाया और वो पर्चा उसके कफन और बदन के दरमियान में रख दिया। हजरत मालिक रहमतुल्लाह ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर उसको दिखाया। वो कहने लगे, ये वही पर्चा है, कसम उस जात की जिसने उसको मौत दी, ये पर्चा मैंने खुद इसके कफन के अंदर रखा था। ये मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा कि मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप मुझसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी लिख दीजिए। हजरत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो बात दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ले शानू जो चाहता है वो करता है। इसके बाद जब भी मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान का जिक्र फरमाते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते। औलिया अल्लाह को इस किस्म के वाकयात बहुत कस्से से पेश आते हैं कि जो उसमें कोई बात जुबान से निकल गई, हक तआला शानू उसको उसी तरह पूरा फरमाते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद में इन अल्फाज से नकल किया गया है कि बहुत से बिखरे हुए बालों वाले गुबार आलूदा लोग जिनको लोग अपने दरवाजे से हटा दें और उनकी परवाह भी ना करें, ऐसे हैं कि अगर अल्लाह जल्ले शानू पर किसी बात की कसम खा ले तो उनकी बात को पूरा करें। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत थी।